जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने येलो कलर में बनाई है। ये हमारी 14 सिलाइयों की डिज़ाइन है, जिसे हम 10 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और 7 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं। उस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती है। तो चलो हम अब ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में 47 फंदे डाल दिए। इसमें हम 10 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं, 7 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं। 5 फंदे हमें डिजाइन में चाहिए रहते हैं, 2 फंदे हमारे एज स्टिच के रहते हैं। इस तरह से इसमें हम 47 फंदे डालते हैं। मैंने इसमें 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ नहीं 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली हैं। एक सिलाई मैंने अपने ये छोटा सा मैंने बॉर्डर बना लिया है इसमें। तो इसमें मैंने ये इस तरह से ये गांठ स्टिच की 2 रो निकल जाती है। तो हमारी 4 सिलाइयाँ निकालने पर गांठ स्टिच की 2 रो निकल जाती हैं। अब हम अपनी वापस से सीधी सिलाई में आ गए। यहाँ से हम अपना डिजाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सिलाई में पहला फंदा उतारती हूँ, उसके बाद इसमें मैं 5 फंदे उल्टे बनाती हूँ। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद उनको पीछे ले जाएंगे, फिर 5 फंदे हम सीधे बनाते हैं। फिर उनको आगे लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन की पूरी रो निकलेगी। 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे और शुरू का लास्ट का फंदा हम एज स्टिच का रखते हैं, जिसे हम अपने ऊपर बनाएं तो बना सकते हैं, नहीं उतारें। फिर हम उनको आगे लेंगे, पीछे ले जाके 5 फंदे सीधे। तो इस तरह से ये मैं अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ, जिसमें हम 5 फंदे सीधे बनाते हैं और 5 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। अब हमने अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट रो निकाल ली है, जिसमें हम 5 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे बनाते हैं। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो में आ गए, और जो हमारी उल्टी सिलाई है, तो पहला फंदा हम बिना बना उतारते हैं, फिर सभी फंदों को उल्टा बनाते हैं। तो सेकंड रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी। फर्स्ट रो में हमने 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे बनाए थे, सेकेंड रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये हम पूरी उल्टी सिलाई निकाल के ले आते हैं। अब हमने डिज़ाइन की सेकेंड रो भी निकाल ली है, जो हमने पूरी उल्टी निकाली थी। अब हम अपने थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में पहला फंदा हम उतारते हैं, फिर अपने उनको आगे लाएंगे। शुरू के 5 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, तो इन्हें 5 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। फिर 5 फंदों को हम उनको पीछे ले जाएंगे, 5 फंदों को सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारी ये थर्ड रो निकलेगी। थर्ड रो में वापस से 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे बनाने हैं। जहाँ पे उल्टे फंदे वहाँ पे उल्टे बनेंगे, और जहाँ पे हमारे सीधे फंदे वहाँ पे सीधे बनेंगे। तो इस तरह निकालते हुए अपनी डिज़ाइन की थर्ड रो भी निकालती हूँ। हम अपने डिज़ाइन की थर्ड रो निकाल ली है हमने। अब हम अपनी डिज़ाइन की फोर्थ रो में आ गए। तो फोर्थ रो हमारी सेकंड रो की तरह निकलेगी। तो पूरी रो हम उल्टी निकालते हैं। पहला फंदा हम बिना बना उतारेंगे, फिर उसके बाद हम पूरी रो उल्टी निकालते हैं। तो मैं अपनी डिज़ाइन की फोर्थ रो निकालती हूँ, जो मैं पूरी रोंग साइड में उल्टे निकालूंगी। अब हम अपनी डिज़ाइन की फोर्थ रो निकाल ली, जो पूरी उल्टे निकाली थी। अब हम अपनी डिज़ाइन की फिफ्थ रो निकालेंगे, जो हमारी फर्स्ट और थर्ड रो के जैसे होगी। पहला फंदा हम उतारते हैं, फिर उनको आगे लेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो हमारी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो सेम बनती है। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो में हम 5-5 फंदे उल्टे और सीधे बनाते हैं, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स रो में पूरी सिलाई उल्टी निकालते हैं। तो मैं अपनी फिफ्थ और सिक्स रो दोनों निकाल लाती हूँ। फिफ्थ रो में हम 5 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, जैसे हमारे डिज़ाइन में, और सिक्स रो हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ निकाल लाती हूँ, फिर अपने डिज़ाइन की हम सेवन्थ रो बनाएंगे। हमारे डिज़ाइन की सिक्स रो कम्प्लीट हो गई। तो सिक्स रो कंप्लीट होने पे बीच में हमारे 3 गांठ स्टिच की रो बनती है, और ये 5 फंदों के हमारे सीधी सीधी सिलाई बनती है। इसलिए हमारी सिक्स रो निकल गई है। अब हम इसमें अपनी सेवन्थ रो निकालते हैं। तो शुरू का पहला फंदा तो मैं उतारती हूँ, फिर अपने आगे के 5 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अपने उनको पीछे ले जाते हैं, 2 फंदे हम पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद बीच में जो हमारा बीच का फंदा है 5 फंदों में से, 1, 2 और ये बीच वाला फंदा, इसमें हम ऊपर से 1, 2, 3,
चार पाँच और नीचे छः, इस वाली रो में इस तरह से सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे इस तरह से। ये लूप थोड़ा लूज लूज ही रखेंगे। इसके बाद हम अपने पांचों फंदों बना लेते हैं। पांच पांच फंदे बनाने के बाद इस तरह से हमने अपना ये सेकेंड लूप उठा लिए। फिर अपने उनको आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे बना लेते हैं। फिर उनको पीछे करेंगे और बीच वाले फंदे से छह काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन लूप उठाते हैं। फिर अपने हम पांच फंदे बना लेते हैं। पांच फंदे बनाने के बाद फिर इसी जगह से हम एक लूप और उठा लेते हैं। फिर अपने पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। ये हमारे डिज़ाइन की सेवंथ रो। इस तरह हम लास्ट में आ गए, लास्ट का फंदा सीधा बनाते हैं। इस तरह हमने सभी जगह इस तरह से दोनों तरफ लूप उठा लिए। अब अपनी डिज़ाइन की हम एट्थ रो में आ गए, रॉन्ग साइड में आ गए। तो शुरू में पहला फंदा उतारते हैं, आगे के पाँच फंदे हम उल्टे बनाते हैं। फिर जो हमने लूप उठाया था उस लूप को हम इस तरह से उतार लेंगे अपनी सिलाई में। फिर आगे के फंदों को हम उल्टा बना देते हैं। तो जो हमने लूप उठाया था उस लूप को हमें बनाना नहीं है, उसे हम इसी तरह से उतार लेंगे। तो लूप को तो हम बिना बना उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपनी ये डिजाइन की हम एट्थ रो भी कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारे डिज़ाइन की एक थ्रो हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हम सभी फंदे उल्टे बनाते हैं और जो लूप उठाया है उस फंदे को हम बिना बना उतारते हैं। अब हम अपनी डिज़ाइन के नाइन्थ रो में आगे, पहला फंदा उतारते हैं, शुरू के पांच फंदे हम उल्टे बनाते हैं। अब अपनी उनको हम पीछे ले जाएंगे। जो फंदा हमने लूप उठाया था उस फंदे को अपने पहले फंदे के साथ हम इस तरह से पीछे से दो का एक है, क्योंकि हमारा लूप बिल्कुल सीधा आना चाहिए इस तरह से। फिर बीच के फंदे को हम बना लेते हैं, चार फंदे हमने बीच के बना तीन बना लिए। एक तो हमने दो का एक किया था और ये लास्ट वाला फंदा भी हम बीच के तीन फंदे बना लेंगे। अब जो हमारा ये लास्ट वाला फंदा है इस फंदे को हम इस तरह आगे से बना लेंगे। अगर आपको इस तरह से सही आए जिस तरह से बनाना है, बस हमें ये इस तरह से हमारे सीधे होने चाहिए फंदे। फिर उनको आगे करेंगे, आगे के पांच फंदे हम उल्टे बनाते हैं। फिर उनको पीछे करेंगे और अपने इस फंदे को अपने इस फंदे के साथ इस तरह से दो का एक कर देते हैं। ये हमारा सीधा बन जाता है। बीच के तीन फंदे हम उल्टे बना लेते हैं, सॉरी सीधे बना लेते हैं। फिर इस फंदे को अपने इस फंदे के साथ दो का एक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लूप बन जाता है। इस तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। डिज़ाइन की हमारी ये नाइन्थ रो है। अब हमने डिज़ाइन की नाइन्थ रो बना ली, जिसमें हम लूप को अपने फंदे के साथ बना के दो का एक करते हैं। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। तो हमारी डिज़ाइन की टेंथ रो है और ये रॉन्ग साइड है, तो ये हमारी पूरी रो उल्टी निकलेगी। तो मैं अपनी डिज़ाइन की टेंथ रो कंप्लीट करती हूँ, जो हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। हमारे डिज़ाइन की टेंथ रो कंप्लीट हो गई है। हम अपने इलेवंथ रो में आ गए, शुरू के पांच फंदे में उल्टे बनाती हूँ। अब उनको पीछे लेंगे। जो हमारे सीधे फंदे जब अपने लूप उठाया था, तो शुरू के दो फंदे तो मैं इस तरह से सीधे बनाते हैं, और जो हमारा बीच वाला लूप है इसमें नीचे से एक लूप उठाते हैं इस तरह से। आगे के हम तीन फंदों को सीधा बना लेंगे। अब हमें सेंटर में से एक ही लूप उठाना है।
फिर बीच के 5 फंदे उल्टे बनाते हैं। फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर बीच वाला फंदा है उसमें नीचे से 1 लूप उठाते हैं, जहाँ हमने लूप उठाया था उसके ऊपर वाली लूप से लूप उठाते हैं। फिर आगे के हम 3 फंदे सीधे बनाते हैं। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनती है, तो सॉरी ये सिलाई बनती है। तो मैं ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने अपने डिजाइन के 11th रो भी बना लिए। अब हम अपने डिजाइन के 12th रो में आ गए। 12th रो भी हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। पहला फंदा उतारते हैं, सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। बस जो हमने एक लूप बनाया था उसे हम बिना बना उतार लेंगे। जो हमारा लूप है जो हमने उठाया था उसे हम इस तरह से उतार लेंगे, इसे बनाएंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह हमारे डिजाइन की 12th रो भी कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन की हम 13th रो में आ गए। 13th रो में पहला फंदा उतारते हैं, शुरू के 5 फंदे में उल्टे बनाते हैं। ये हमारे 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है। अब आगे के 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जिस शुरू में मैंने 2 फंदे सीधे बनाए और जो बीच वाला फंदा है उसे अपने अपने इस वाले बीच वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर, पहले इस फंदे को इस तरह से सीधा कर लेंगे, फिर इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर दें। तो इस तरह से हमारा ये फंदा भी सीधा हो जाए। फिर आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, उनको आगे करके 5 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। फिर उनको पीछे करेंगे 1 2, फिर अपने इस फंदे को इस तरह से करेंगे, इसे पीछे से 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपने डिज़ाइन की 13वीं सिलाई 13th रो भी कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद अपने डिज़ाइन की लास्ट सिलाई बनाएंगे और हमारे डिज़ाइन का 1 राउंड पूरा हो जाता है। फिर इन 14 सिलाइयों को भी हम रिपीट करके अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। अब हमने अपनी ये 13वीं सिलाई 13 रो भी कंप्लीट कर ली। अब अपने डिज़ाइन की 14वीं सिलाई 14 रो में आ गए, जो हमारी लास्ट सिलाई है। इसमें भी हमारे सभी फंदे उल्टे बनेंगे। जो फंदा हमारा बीच वाला है जिसमें हमने ये लूप उठाया था, इस फंदे को एक बार बनाया, इस फंदे को ना निकाल के इसके ऊपर इस तरह से लपेटेंगे, फिर दूसरी बार बनाएंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर 3 4 5, इस तरह कुल हमारे इसमें 9 फंदे होंगे। अभी 9 फंदों को अपनी सिलाई में लेते हैं, सभी फंदों को एक साथ बना देते हैं। फिर बीच के फंदों को हम सभी को उल्टा बना लेंगे। फिर हमारा जो ये लूप वाला फंदा है, इस फंदे में वापस से हम 5 बार बनाएंगे, 4 बार अपना फंदा बनाएंगे। तो एक बार बनाया हमने, फिर अपनी उनको अपनी सिलाई इस तरह लेते हैं जाली की तरह, फिर दूसरी बार बनाते हैं, फिर हम दोबारा लेते हैं जाली की तरह, फिर तीसरी बार बनाते हैं, फिर उनको दोबारा लेते हैं, फिर चौथी बार बनाते हैं उनको अगले एक बार और लेते हैं, फिर 5वीं बार इस तरह से अपनी उनको बनाते हैं। फिर अपने सभी फंदों को इस तरह से हम पीछे से लेंगे और इन सभी फंदों को एक साथ उल्टा बना दें। फिर आगे के फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए अपने इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, जो हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो। इससे हमारे डिज़ाइन की 14 सिलाइयाँ 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब इन 14 सिलाइयों को रिपीट करके हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तब हम अपनी वापस से डिज़ाइन की 1st रो बनाते हैं। पहला फंदा मैंने उतारा, फिर 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर आगे के 5 फंदे हम सीधे बनाए।
इस तरह से फंदा बन गया। फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरह से मैं 14 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आपको डिजाइन थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने डिजाइन की एक रो निकाल ली है। इस तरह से हमारी डिजाइन पूरी हो गई। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।